बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट वन की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 9.3 एक्सरसाइज चल रही है और इसका हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को कुछ मैं बेसिक कंसेप्ट समझाऊँगा। अगर ये वाले कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने का बिल्कुल सेम मेथड है। तो बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एंगल दो किस्म के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक क्या होता है, नेगेटिव एंगल होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो हम एंगल क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो एक जो कंप्लीट रोटेशन होती है ना, क्या होती है, कंप्लीट रोटेशन, जहां से खता स्टार्ट हो वहीं पे एंड हो। तो एक जो वन रोटेशन होती है, कंप्लीट रोटेशन, वो के किसके इक्वल होती है, 360 डिग्री के होती है, या इसको हम लोग 2π भी कहते हैं। अब जो हमें रोटेशन है ना, वो इवन मल्टीपल में चाहिए। मतलब इवन मल्टीपल में क्या होगी, प्लस माइनस का या 2π होगी, या प्लस माइनस का 4π या प्लस माइनस का 6π। ये वाली जो कंप्लीट रोटेशन होती है, ये 2π के बराबर होती है, 2π रेडियन या 360 डिग्री के। तो हमें क्या है, जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, 360 डिग्री को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे एक फार्मूला है वो क्या है, जनरल एंगल फार्मूला, जनरल एंगल फार्मूला। वो क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस के 2π। ये जनरल एंगल फार्मूला है जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में यूज होगा। ये वाला जो है थीटा, ये हमारे पास गिवन होता है तो हम इसको कहते हैं, ये कौन सा एंगल है, ओरिजिनल एंगल, ओरिजिनल एंगल। ये हमारे पास जो गिवन होता है उसको क्या कहते हैं, हमारे पास है ये एक किस्म का ओरिजिनल एंगल है, हमारे पास गिवन है। ये वाला जो थीटा है यहाँ पे इस फार्मूले में, इसको कहते हैं बेसिक एंगल, क्या कहते हैं, बेसिक एंगल कहते हैं, या को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल। ये वाला जो के है ये रोटेशन को शो करता है, किसको शो करता है, रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, किसको शो करता है, नंबर ऑफ रोटेशन। अगर के की वैल्यू होगी पॉजिटिव तो रोटेशन उसकी पॉजिटिव होगी, अगर के की वैल्यू होगी नेगेटिव तो ये नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगी, नेगेटिव। यहां पे जो 2π है ये कंप्लीट रोटेशन को शो करता है, किसको शो करता है, कंप्लीट रोटेशन को शो करता है। आई समझ। तो ये वाला जो जनरल एंगल फार्मूला है, जब एंगल दिए हुए हूं बहुत बड़े, कितना मतलब बहुत बड़ा एंगल दिया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, जनरल एंगल फार्मूला यूज करते हैं और उसको हम जो क्वेश्चन दिया होता है, बड़ा एंगल दिया होता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं को टर्मिनल एंगल में। को टर्मिनल एंगल में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो को टर्मिनल एंगल होता है वो बहुत छोटा सा एंगल आ जाएगा, जिनकी वैल्यू हमें मालूम होती है तो मतलब उसको क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल। जब हम इसको क्या करेंगे, बड़े एंगल होंगे उनको कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे को टर्मिनल एंगल में, तो ओरिजिनल एंगल और को टर्मिनल एंगल की वैल्यूज आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर आ जाती हैं और उनको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 के कितने हैं, 9 पार्ट हैं टोटल। पहले 2 पार्ट आप लोगों को समझाऊंगा तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इजीली आप लोग इनको सॉल्व कर लोगे। तो आइए अब हम लोग पार्ट करते हैं, वन पार्ट। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज मालूम करें। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल होते कितने हैं। तो वो कितने फंक्शन होते हैं, टोटल
छः फंक्शन होते हैं, मतलब इसमें से हमने छः के छः फंक्शन मालूम करने हैं। एंगल उसने दे दिया है रेडियन में, रेडियन में या डिग्री में दे देता है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में। ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनका सेम मेथड है। तो यहाँ पे ये वैल्यू उसने दे दी है माइनस पाई, हमने छः फंक्शन मालूम करने हैं, एंगल हमने रखना है यहाँ पे माइनस पाई। तो आप लोगों को क्या करवाता हूँ, मैं सेम मेथड से सारे करवाता हूँ, इसलिए मैं ये साइन माइनस पाई आप लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। साइन माइनस पाई, कॉस माइनस पाई और टेन माइनस पाई, और इसके अलावा साइन का उलट क्या होती है कोसेकेंट, और कॉस का उलट क्या होता है सीकेंट, और टेन का उलट क्या होता है कॉट। इस तरीके से आप लोग मालूम कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ये वाली वैल्यू मालूम है। तो हमने क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है कोटर्मिनल एंगल में। कोटर्मिनल एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे लिखो इसका सॉल्यूशन, ये रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है तो माइनस पाई, इसको अगर मैं डिग्री फॉर्म में लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ माइनस 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, कंप्लीट जो रोटेशन होती है वो 360 डिग्री के बराबर होती है। जो रेडियन में दिया होता है उसको डिग्री में लिखने के बाद आप क्या करें, जो वैल्यू आती है उसको 360 पे डिवाइड करें। तो ये हो जाएगा -180 डिग्री, ये 360 पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इसलिए -1 लिखेंगे। जब नेगेटिव अंदर वैल्यू नेगेटिव हो और 360 से लेस हो तो आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए वो इससे बड़ी होनी चाहिए। तो 360 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -360 डिग्री। अब साइन चेंज हो जाएंगे तो 360 को 180 से माइनस करें तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब क्या करते हैं कि हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, जनरल एंगल फार्मूला। वी नो दैट जनरल एंगल फार्मूला क्या होता है कि ओरिजिनल एंगल इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस के 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें ओरिजिनल एंगल, ये थीटा क्या होता था, ओरिजिनल एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस पाई है, और नेक्स्ट एंगल जो मतलब हमारे पास रिमाइंडर आया यहाँ पे उसको कहते हैं बेसिक एंगल या कोटर्मिनल एंगल, ये वाला। तो क्या है 180 डिग्री प्लस, और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, ये के की वैल्यू होती है, किसके बराबर होती है के की वैल्यू होती है, और ये क्या होती है यहाँ पे कोटर्मिनल एंगल वाली वैल्यू, कोटर्मिनल एंगल वैल्यूज, और ये होती है कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन के बराबर होती है। तो यहाँ पे के कितना है -1, और ये क्या है 2 पाई, 2 पाई मतलब ये वाला 360 डिग्री। आई समझ। अब कंप्लीट रोटेशन में मैंने क्या कहा, जो इवन मल्टीपल होता है मतलब कंप्लीट रोटेशन उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो के है नंबर ऑफ रोटेशन को जहर करता है, यहाँ पे -1 है तो रोटेशन क्या होगी इसकी -1 होगी, मतलब -1 होगी, तो के बिलोंग्स करे यहाँ पे इंटीजर को, इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आई यहाँ पे ये वाली कोटर्मिनल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोटर्मिनल एंगल। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब इसको हमने कोटर्मिनल एंगल में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में क्या होती है सेम होती है, क्या होती है सेम होती है। अब देख लें यहां पे अगर है साइन माइनस पाई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 किसके इक्वल होता है जीरो के, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1 मतलब किसके बराबर जीरो के, क्योंकि हमने फिर उसका उलट भी फाइंड आउट करना है, साइन के बाद फिर कॉस माइनस पाई और ये वाला फिर एंगल कॉस 180, कॉस 180 किसके बराबर होता है -1 के, और इसके अलावा क्या है टेन माइनस पाइस वो क्या होता है साइन 180 डिग्री ओवर कॉस 180 डिग्री। तो ये कैसे साइन 180 जीरो, कॉस 180 -1, तो ये क्या आ जाएगा जीरो के बराबर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन
जी स्टूडेंट, हमारे पास ये साइन कॉस टेन की वैल्यू आ गई। हमने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक छः के छः फंक्शन मालूम करने हैं। तो साइन का उलट क्या होता है? कोसिकेंट। क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट इस पे वैल्यू निकालनी है हमने। तो कोसिकेंट 180 डिग्री, कोसिकेंट 180 डिग्री क्या हो जाएगा? इसको 0/1 है, 1/0, तो क्या हो जाएगा? फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह कॉस 180 है, कॉस का उलट क्या होता है? सीकेंट 180। सीकेंट 180 क्या होता है? ये -1 है, अगर इसके नीचे 1 लगा लें तो क्या आ जाएगा? इस -1 को हम लिख सकते हैं -1/1, तो ये हो जाएगा 1/-1, तो कितना हो जाएगा? -1। ये देख लें, इसका 10 - π कितना आया? 0। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, मतलब क्या आ जाएगा? 0। तो जब हम cot की वैल्यू निकालेंगे, cot 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या मालूम कर लेंगे? 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम कर लेंगे। बच्चों, इस तरह के जब क्वेश्चन आप लोगों को मैं तो 2-3 करवाता हूँ, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इस तरह के और 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जी बच्चों, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। तो इसका सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? जो रेडियन में दिया हुआ है उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो वो पाई की जगह पे आप लोगों ने क्या लिखना है? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा -3 - 3π। 3 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। ठीक है, अब ये -45 डिग्री बहुत बड़ी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे कोट टर्मिनल एंगल में। कोट टर्मिनल एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 360 डिग्री पे। तो 360 डिग्री पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देख लें, ये -540 अगर नेगेटिव वैल्यू हो ना, तो इसको आप लोग ऐसे डिवाइड करें कि इससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम लोग ले लें यहाँ पे 360 - 360, तो ये तो इसे मतलब कम वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव में ले लें तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे -2 लगाएंगे और नेगेटिव में वैल्यू आनी चाहिए और इससे बड़ी आनी चाहिए। अगर हम 360 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -360 आ जाएगा, तो इससे तो वैल्यू कम आएगी। हमने इस तरीके से डिवाइड करना है कि इससे वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। तो 360 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -720। अब साइन चेंज कर देंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस -540 डिग्री को हम लोग कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाला रिमाइंडर, जिसको हम लोग को टर्मिनल एंगल कहते हैं। तो को टर्मिनल एंगल प्लस यहाँ पे क्या है? -2, और ये 360 को क्या लिख लेते हैं? 2π। मतलब ये फार्मूला होता है कि थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस K2π। तो यहाँ पे k क्या किसको बिलोंग्स कर रहा है? यहाँ पे इंटीजर को बिलोंग्स कर रहा है। ये k की वैल्यू कितनी है? -2 है, ये इंटीजर को बिलोंग करता है। अब हमारे पास जो एंगल आ गया ना, इसको कन्वर्ट करने के बाद को टर्मिनल में जो एंगल आ गया, इसकी और इसकी वैल्यू आपस में सेम होगी। मतलब ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इसकी और इसकी वैल्यू क्या होगी? आपस में सेम होगी। तो हम 6 के 6 फंक्शन मालूम करेंगे। यहाँ पे लिखोगे साइन -3π और ये क्या है? कॉस -3π और ये है 10 - 3π। तो इज इक्वल टू ये वाला एंगल जो हमारे पास न्यू एंगल आया, जिसको अब देखने, इसको हमने ऐसे डिवाइड किया कि 360 से वैल्यू जब यहाँ पे पॉजिटिव 360 है, अगर उससे कम वैल्यू जब आ जाती है उसको स्टॉप कर देते हैं, आगे डिवाइड नहीं करते। तो ये वाला जो हमारे पास आया एंगल आया, इसको ऐसे लिखते जाएंगे, साइन 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री और ये 10 180 डिग्री। ठीक है, तो साइन पाई 180 किसके बराबर होता है? 0 के। कॉस 180 किसके बराबर होता है? -1 के। 10 180 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और ये जो 0 है ना, क्योंकि हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, उलट फाइंड आउट करना है, तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, -1 को लिख सकते हैं -1/1, 0 को लिख सकते हैं 0/1,
वन। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने इनके उलट फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो जाएगा, अगर साइन का उलट क्या होता है? कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट 180। और इसके अलावा क्या होना चाहिए? कॉस 180 का उलट क्या होता है? सीकेंट 180। और टेन का उलट क्या होता है? कॉट 180। तो इधर देखें, ये है 0/1। अगर हम इसको लिख लें 1/0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन। -1 को -1/1 है, अगर इसको लिखें 1/-1, तो ये -1 आ जाएगा। ये है कॉट 10/180, 0 के बराबर होता है, ये 0/1 है। तो अगर हम इसको लिख लें 1/0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, इसका मतलब वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अगर कोई बड़ा एंगल आ जाए तो उसको आप लोग 360 पे डिवाइड करें। 360 पे डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो उसी को कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल और ओरिजिनल एंगल की जो वैल्यू होती है वो आपस में बराबर आती है। तो हम इस तरीके से 6 के 6 फंक्शन मालूम कर लेंगे। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको 5π/2। इसको हम लोग, ये रेडियन में लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिग्री में लिखेंगे। तो डिग्री में लिखेंगे तो पाई की जगह पे 180 डिग्री पुट करके ओवर 2 कर देंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 4/50 डिग्री। अब इसको कोटर्मिनल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे ये? क्योंकि ये इसकी और इसकी वैल्यूज होती है सेम, और ये बहुत बड़ा एंगल है, तो इसको छोटे एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे है 450 डिग्री, तो हम 450 डिग्री को किस पे डिवाइड कर देंगे? 360 डिग्री पे। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो तो ऐसे डिवाइड करो कि इससे कम वैल्यू आनी चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो तो ऐसे डिवाइड करो, उससे बड़ी आनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो तो हम कहेंगे 360 डिग्री। तो ये इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? जनरल एंगल का फार्मूला। वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस K2π। ठीक है, थीटा ये वाला जो होता है ये तो ओरिजिनल एंगल होता है जो क्वेश्चन में गिवन होता है 5π/2। अब ये वाला जो थीटा है ये कोटर्मिनल एंगल वाला होता है, मतलब जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है। तो 90 डिग्री प्लस K क्या होता है? नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन जो ये वाली होते हैं K, कितना है? 1। और 2π ये कितना होता है? 360 डिग्री। आई समझ? यहाँ पे K किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और K किसको बिलोंग्स कर रहा है? इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास जो न्यू एंगल आया, बेसिक एंगल आया या कोटर्मिनल नेक एंगल आया डिवाइड करने के बाद, इसकी और इसकी वैल्यू क्या होती है? तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे सेम होती है। तो इस वजह से हम 6 के 6 फंक्शन मालूम कर लेंगे। इसकी वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा एंगल है, तो इसकी तो असल में मालूम है क्योंकि ये टेबल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0 से लेकर 90 तक हमें वैल्यूज तमाम याद हैं। इस वजह से इसको हमने डिवाइड किया, छोटे एंगल में कन्वर्ट किया ताकि हमें वैल्यूज याद हो जाएं। ये वाला जो 2π है इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये एक कंप्लीट रोटेशन के बराबर हो जाती है। तो ये आ जाएगा साइन 5π/2 इज इक्वल टू साइन 90, कॉस 5π/2 इज इक्वल टू कॉस 90, और टेन 5π/2 इज इक्वल टू टेन 90। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के। 1 के हम 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। और इसके अलावा एक ये वैल्यू हमारे पास आ गई, कॉस 90 किसके बराबर होता है? 0 के। 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि हम लोग उसका उलट निकालेंगे। फिर टेन 90 को लिख सकते हैं साइन 90 ओवर कॉस 90। साइन 90 किसके बराबर होता है? 1 के। और कॉस 90 किसके बराबर होता है? 0 के। तो 1/0 फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा।
टेन 90 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर होता है, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो अब हमें चाहिए इनके उलट, साइन का उलट क्या होता है? कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 डिग्री। कोसिकेंट 90 डिग्री को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/sin 90 ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू क्या आई यहाँ पे? 1 आई, तो 1/1, 1। इसके अलावा कॉस का उलट क्या होता है? सीकेंट, सीकेंट 90। सीकेंट 90 को लिख सकते हैं 1/cos 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? ये 0 आई थी, तो 1/0 फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, टेन 90 की वैल्यू क्या होती है? टेन 90 इज इक्वल टू होता है, सॉरी हमने कॉट मालूम करना है, तो कॉट 90, कॉट 90 क्या होता है? 1/tan 90। तो कांस्टेंट 1/ नीचे टेन इन्फिनिटी है, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी तो क्या किसके बराबर रिजल्ट होता है? 0 के बराबर होता है। तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग इसी मेथड से कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये वाला क्वेश्चन किया। अगर आप लोग पार्ट नंबर 3 को गौर से समझें तो इसी को, ये पहले जो 3 पार्ट करवाए हैं, अगर आप लोग इनको गौर से बार बार देखें और इनको समझें, तो बाकी जो 2 पार्ट हैं वो भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी सेम इसी मेथड से होगा, लेकिन उसके भी मैं आप लोगों को कुछ पार्ट करवा दूंगा। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी आप प्रॉब्लम हो इस इन क्वेश्चन में, तो आप लोग ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल या मैसेज करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा इंशाल्लाह।